विश्व में चल रही महामारी कोरोना को देखते हुए तमाम देशों के वैज्ञानिक इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों एक दवाई का नाम मार्केट में काफ़ी सुनने में आ रहा है और इस दवाई के पीछे इंडिया और अमेरिका में कुछ खींचतान भी देखी जा रही है। इस दवाई का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इस दवाई का इस्तेमाल कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं इस दवाई के बारे में और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है उस बारे में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दवाई 1934 में मलेरिया के इलाज के लिए बनाई गई थी। अब कैसे बनाई गई वो भी हम आपको बता देते हैं। सिंकोना नाम के पेड़ की छाल में से क्लोरोक्वीन निकलता है, उसकी ही मदद से जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ये दवाई तैयार की थी। क्लोरोक्वीन के परिवार का ही मेंबर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो उसी से मिलता जुलता है। क्लोरोक्वीन की तुलना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कम जहरीला है और इसका उपयोग मलेरिया और गठिया की दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। भारत में दो कंपनियां हैं जो इसका निर्माण करती है, एक है इबका और दूसरी है जाइडस कडेला। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन लोगों को इस दवाई का सेवन करने की सलाह दे रहा है जो कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं या उनके संपर्क में हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस ऑफिसर या वो लोग जो संक्रमित व्यक्ति के परिवार से हैं। ये दवाई कोरोना वायरस के हाई रिस्क वाले मरीजों को भी दी जा रही है। दवाई को लेकर इंडिया और अमेरिका में खींचतान चल रही है। उसकी बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दवाई की तारीफ कर चुके हैं और इसके बाद से लोगों में ये बात ज़्यादा फैल गई है कि ये दवाई कोरोना वायरस का इलाज है। लेकिन आपको बता दें कि ये दवाई बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लेना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपको कुछ रिसर्च के बारे में बताते हैं। फ्रांस के इंटरनेशनल जनरल ऑफ एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट IGAA की रिपोर्ट के मुताबिक ये दवाई 20 लोगों को दूसरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ दी गई तो उन लोगों में कोरोना के इन्फेक्शन का असर कुछ कम देखा गया। ये एक रिपोर्ट है। वहीं चाइना के इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी के वैज्ञानिक भी शोध करते देखे गए और उनके शोध के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन से कोरोना का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये दवाइयाँ कोरोना वायरस को मनुष्य की कोशिकाओं में जाने से रोकती है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इस शोध में ये भी बात बताई गई है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्लोरोक्वीन की तुलना में कम घातक है और इससे कोरोना का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक दावा है, इसका कोई वेरिफिकेशन सामने नहीं आया। ये आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कि कितने लोगों को इस दवाई से फ़ायदा हुआ है या कितने लोग ठीक हुए हैं। बहुत सी संस्थाओं द्वारा इस पर शोध किया जा रहा है। WHO भी इस पर शोध कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये दवाई वाकई में कोरोना से लड़ सकती है या नहीं। जब से लोगों के बीच बात चली है कि इस दवा से कोरोना ठीक हो सकता है, तब से लोगों ने इस दवाई का स्टॉक अपने घरों में रखना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाने वाली दोनों कंपनियां इबका और जाइडस कडेला के प्रवक्ताओं की माने तो नॉर्मल दिनों में इस दवाई की खपत महज 10% है। इस दवाई को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेने या दूसरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ ना लेने से यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कंपनियों की माने तो अभी तक इस दवाई का उत्पादन 2 से 3 टन किया जाता था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसका उत्पादन 20 से 30 टन किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उत्पादन सरकार के आदेश पर 40 से 50 टन किया जा सकता है। तो घबराइए नहीं, अभी ऐसा कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि ये दवा कोरोना को हरा देगी। इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ यही एक इलाज नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इस दवा का उपयोग किस चीज़ में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और इससे आपको क्या हानि हो सकती है। इस दवा का इलाज मलेरिया में किया जाता है, साथ ही अमीबियासिस में भी इसका उपयोग होता है। बिना वजह इस दवा का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, आप हेयर लॉस जैसी समस्या से भी जूझ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मार्केट में चल रही अफवाहों से नहीं घबराएं। सरकार को आपका बखूबी ध्यान है, वो आपकी सुरक्षा में ही लगी हुई है, तो जो आपके लिए सही होगा वो खुद आप तक पहुंचाया जाएगा।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.